नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित जायसवाल, प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन। आज हम आपसे बात करेंगे पेनाइल इम्प्लांट प्रोसीजर की। ये सर्जरी हम लोग काफ़ी कॉमनली कर रहे हैं और ये उन लोगों में की जाती है जिनमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, मतलब पेनिस का इरेक्शन इम्प्रॉपर होता है, कंप्लीट नहीं होता है। इरेक्शन कई बार बिल्कुल नहीं होता है या फिर अगर होता भी है तो वो इनसफिशियंट होता है, पार्टनर और खुद को सेटिस्फाइड करने के लिए कम रहता है। तो इस तरह के पेशेंट्स में कई सारे इसके कारण हो सकते हैं। मोस्ट कॉमनली साइकोजेनिक कॉज रहता है या फिर कई पैथोलॉजिकल कारण भी हो सकते हैं, जैसे डायबिटीज मेलाइटस। तो यदि कोई भी पेशेंट इस तरह का हमारे पास आता है तो हम लोग सबसे पहले उसको काउंसलिंग करते हैं, नॉन सर्जिकल मेथड से उसे हम लोग ट्रीट करने का कोशिश करते हैं। लेकिन आमतौर पर ये पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं सारा कुछ ट्रीटमेंट लेके आते हैं और फिर डायरेक्ट वो हमें एडवाइस जो चाहते हैं कि हम लोग इसमें इम्प्लांट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सो पेनाइल इम्प्लांट करना बहुत एक सिंपल प्रोसीजर है, बहुत बड़ा उसमें आफ्टर केयर का ज़रूरत नहीं रहता है, लेकिन उसमें प्रॉपर इंडिकेशन होना चाहिए और पेशेंट का साइकोलॉजिकल असेसमेंट प्रॉपर होना चाहिए कि उसमें कोई रूल आउट करने वाला कारण या पैथोलॉजिकल कारण यदि है तो उसे हम लोग अलग कर दें। जो इम्प्लांट करने का प्रोसीजर रहता है रफली 45 मिनट्स का रहता है और इसमें हम लोग या तो सेम डे या नेक्स्ट डे मोस्टली पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। अब क्वेश्चन रहता है कि इम्प्लांट कौन सा यूज़ करना है, तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, लॉट ऑफ वेराइटीज़, अलग अलग वीडियोज़ रहते हैं, अलग अलग लिटरेचर रहता है जो बताता है अलग अलग तरह के इम्प्लांट्स। लेकिन बॉटम लाइन ये रहता है कि जो इंडिया में 80-90% सर्जन करते हैं या जो डॉक्टर पेशेंट्स करवाते हैं वो इंडियन शाह पेनाइल इम्प्लांट होता है। जो सिंपल मेलाइबल इम्प्लांट इम्प्लांट है ये हालांकि इंडियन है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई ओवरसीज इम्प्लांट की तुलना में ये कमज़ोर है। ये सिंगल पीस है, लो कॉस्ट है, इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि इसकी इफेक्टिवनेस कम रहेगी। उल्टा यदि कोई टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम यदि हम बॉडी में डालेंगे, स्पेशली 3-पीस इम्प्लांट डालते हैं, तो उसमें कॉम्प्लिकेशन रेट ज़्यादा रहता है, उसकी सीवियरिटी ऑफ प्रोसीजर अधिक बढ़ जाती है, कॉस्ट के साथ साथ दूसरी चीज़ें भी परेशानी रहती है। सो जो प्रॉब्लम है सिंपल तो उसका असर भी जो इलाज है वो भी सिंपल होना चाहिए। जो बेसिकली इसमें ये दिक्कत होती है कि जो ब्लड फ्लो आना चाहिए केवर्नोस में वो नहीं आ पा रहा है, तो जो नॉर्मली टाइटनेस ब्लड की वजह से होती है उसे हम लोग इसमें इम्प्लांट के द्वारा करते हैं। इसमें अलग अलग साइज़ रहते हैं पेशेंट की साइज़, पेनिस के साइज़ के हिसाब से और उसकी विड्थ के हिसाब से, हम लोग पेनिस के विड्थ के हिसाब से हम लोग इम्प्लांट का चयन करते हैं। प्रोसीजर सिंपल है लेकिन काफ़ी टेक्निकल डिमांडिंग है। आपको सर्जन इस तरह का चुनना है जिसको सफिशियंट इस नंबर के केसेस करने का अनुभव हो, क्योंकि यदि प्रॉपर तरीके से नहीं की जाती है तो उसमें काफ़ी सारी दिक्कतें भी हो सकती है। फर्स्ट मोस्ट कॉमनली हो सकता है कि इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है यदि प्रॉपर एसेप्टिक कंडीशन हमने मेंटेन नहीं करी है। यदि इम्प्लांट का साइज़ प्रॉपर नहीं है, यदि सपोज़ छोटा है इम्प्लांट करा है तो वो पेनिट्रेशन करने में काफ़ी दिक्कत देता है, कंप्लीट पेनिट्रेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है। यदि इम्प्लांट हमने लंबा यूज़ कर लिया है, ज़्यादा खींच दिया, तो पेनिस लगातार पेन हो सकता है। इसके अलावा हिमेटोमा या दूसरी कॉम्प्लिकेशन होने का रिस्क भी रहता है, जिसमें प्रॉपर सर्जिकल टीम होना ज़रूरी है प्रोसीजर करने के लिए। हमें ये भी ध्यान रखना रहता है कि जो प्रोसीजर हम कर रहे हैं उसमें जो प्रॉक्सिमल पार्ट है इम्प्लांट का, वो वहाँ पे जो बोन होती है प्यूबिक बोन, उस पर रेस्ट करें ताकि जब हम पेनिट्रेशन करें, इंटरकोर्स करें, तो वो उसको प्रॉपर पोस्टीरियर सपोर्ट रहे। उसी तरीके से जो डिस्टल एंड है वो ग्लांस तक प्रॉपर मैक्सिमम तक पहुँचना चाहिए, जितना अधिक से अधिक जा सके, अदरवाइज ग्लांस लूज रह जाता है क्योंकि ग्लांस के अंदर कैविटी नहीं रहती है। तो वो पार्ट अगर लूज रहेगा तो जो टाइटनेस हमें चाहिए वो अचीव नहीं कर पाते हैं। सो टेक्निकली साउंड तरीके से यदि किया जाएगा तो पेशेंट को आफ्टर केयर का ज़रूरत नहीं रहेगा, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं रहेगा, पेशेंट बार बार हमारे पास नहीं आएगा। इसके साथ साथ कई बार क्वेश्चन रहता है कि इससे लेंथ बढ़ेगा कि नहीं, तो ऑब्वियसली यदि हम उसको स्ट्रेच करेंगे और जो मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ का अगर हम इम्प्लांट डालेंगे तो जो रेस्टिंग लेंथ है और इवन इरेक्शन वाली जो लेंथ है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है इम्प्लांट डालने के बाद। कई लोगों का क्वेश्चन रहता है गर्थ बढ़ाने के लिए, तो गर्थ बढ़ाने के लिए इसमें जो हम लोग इम्प्लांट्स इम्प्लांट यूज़ करते हैं उसमें डबल लेयर रहता है, मतलब 2 लेयर्स ऑफ सिलिकॉन रहती है आउटर साइड में। तो यदि पेशेंट का केवर्नोसा का वॉल्यूम ज़्यादा है, उसका डायमीटर ज़्यादा है, तो हम लोग अधिक से अधिक वॉल्यूम का यूज़ करने का कोशिश करते हैं। तो यदि कोई चीज़ वॉल्यूम यदि उसमें हम ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली थिकनेस बढ़ना भी एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा और कोई मेजर इसमें साइड इफेक्ट या रिस्क नहीं रहता है। मोस्टली लंबे समय तक रहने के लिए बॉडी में बने गए आमतौर पर 15-20 साल तक रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उससे अधिक समय भी रह सकते हैं, उसको ऐसा नहीं है कि बदलने का जरूरत होता बिना किसी कारण के। हम लोगों का कॉस्ट कम है, कई लोगों का क्वेश्चन रहता है कि कॉस्ट कम क्यों है, तो जो कॉस्ट का रेंज हम लोगों का है लगभग 65-75,000 है। कई लोगों का क्वेश्चन रहता है कि हम कोई सब ऑप्टिमल क्वालिटी का इम्प्लांट यूज़ करते हैं, ये सब क्यों है, तो आपको समझना होगा कि जो इंडियन शाह पेनाइल इम्प्लांट है इसका जो कॉस्ट रहता है लगभग 18,000-20,000 के रूप रेंज में रहता है। तो टोटल कॉस्ट आपको हमारे हिसाब से 70,000 सफिशियंट अमाउंट है, 70-75,000 जो हम पेशेंट से लेते हैं, जिसमें हॉस्पिटल एक्सपेंस, सर्जन चार्ज, एनेस्थेटिस्ट और इम्प्लांट का कॉस्ट सब कुछ इंक्लूड रहता है।